के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट किया, और ट्रेनिंग के आरंभ में और साथ में आज भी जब समापन का डे है, सर ने आकर और इस ट्रेनिंग को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो मैकेनिज्म अपनाया और साथ में आप लोगों ने जो ट्रेनिंग सीखी एलईडी बल्ब और हाईटेक एग्रीकल्चर, और हमारा मकसद भी है सर कि इस ट्रेनिंग के बाद अच्छा आउटपुट निकले। बाद हम रोजगार से कैसे आप लोगों को जोड़ेंगे उसकी एक दीर्घकालीन योजना हमने बनाई है। बैंकर्स को भी बुलाया है बीआरकेजीबी बैंक से, और अच्छी बात यह है कि बैंकर्स भी एग्री हैं कि आपके काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। माता जी, आपको सबको नमस्कार करती हूँ। मैंने एलईडी बल्ब प्रोग्राम में सीखा है और बहुत अच्छा सीखा है और बहुत अच्छा काम किया है। उसने 15 दिन की ट्रेनिंग की थी। बैंक आपके साथ जुड़ेगा और आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से जो आपको बढ़ने के लिए मौका देगा, लेकिन बात एक है कि हम अपना व्यवहार और हमारा जो सही समय के साथ में हम अपना लेन देन बैंक के साथ अच्छा रखेंगे तो बैंक भी हमें बढ़ने के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध कराएगा। तो सर, इस अवसर पे मैं बैंक मैनेजर सर से भी आग्रह करूँगा कि दो शब्द सर आप भी कहें। सर, सर्वप्रथम युवा जागृति संस्थान से गोकुल जी, गिरिराज जी, नाबार्ड से पधारे हमारे सर प्रदीप जी, और आपके संस्थान के सभी कर्मचारी और सभी हमारी नारी शक्ति, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप निश्चित रूप से आय बढ़ेगी, घर की आय बढ़ेगी तो आपकी खर्चा भी आप कर सकते हो, उसके अलावा अपने धंधा जो आप शुरू कर रहे हो उसको बढ़ा भी सकते हो। इसी संबंध में जैसे गोकुल जी के साथ आप लोगों ने संस्थान के अंदर, आप सभी महिलाएं, मैं मानता हूं कि ज़्यादातर महिलाएं तो समूह से जुड़ी ही हुई होंगी, और अभी उनका किसी ना किसी बैंक से या मोस्टली अधिक ICICI बैंक से आप लोगों का लिंकेज भी होगा, तो वहां से एक आपका रिकॉर्ड बैंक के साथ एक जो है वो बन चुका है। वहाँ आपने एक बार दो बार जैसे उसको बराबर लोन को भर दिया है, तो बैंक के साथ जो आपका रिकॉर्ड है वो बढ़िया हो गया, आपकी साख अच्छी हो गई है। तो आप शुरू में आप लोगों ने कम लिया होगा, बाद में ज़्यादा लिया है। हाँ, ये ज़रूर आपके लिए ताली बजाने वाली बात है कि आपने लोन लिया है, उसको टाइम से भर दिया और आप लोग आगे बढ़ रहे हो और नई चीज़ें सीख रहे हो, इसके लिए आप लोग ताली बजा सकते हो। इसी संबंध में क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने भी, मतलब हमारी राज्य सरकार ने और उसके अलावा नाबार्ड के थ्रू भी जो SHG के लोनों के लिए अलग अलग स्कीमें हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सैंपल के रूप में गोकुल जी ने आपको बताया, एक समूह को हमने फाइनेंस भी किया है, तो उसको थोड़ा ब्याज कम करके और उनमें सुविधाएं ज़्यादा देकर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए भी सहूलियत हो। भाई, खर्चा कम होगा तो आप लोगों के हाथ में पैसा स्वाभाविक रूप से ज़्यादा आएगा, और इसके अलावा जैसे आप ये फैक्ट्री डालोगे या कुछ भी है तो हम लोग ज़रूर गुणवत्ता के आधार पर जहाँ पर भी प्रोजेक्ट जैसे हमको अच्छे लगेंगे शुरू में चूज़ करते हुए और आपको लोन दिलवाएंगे, ज़रूर लोन देंगे हम लोग। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिस जो भी समूह या फिर जो बिजनेस में जिसमें लेडी का अधिकार है, मतलब कोई नारी ने अगर समूह ये बिजनेस डाला है तो उसके अंदर वो 25% तक सब्सिडी देते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्कीम है। जो भी हम लोग आप लोगों को लोन देने के लिए जिस भी लेडीज से बात करेंगे हम ज़रूर आपको समझा के, और हम भी यही चाहेंगे कि आप लोग आगे बढ़ो और हमारे बैंक के साथ साथ आगे बढ़ो, तो हमारे लिए भी एक खुशी की बात होगी कि आपकी हम कहीं मदद कर पाएँ और समाज के उत्थान में काम आ पाएँ। श्रीमान DDM साहब, श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, बैंक मैनेजर साहब श्रीमान सरूप कुमार जी, और युवा जागृति संस्थान से श्री गिरिराज जी और गोकुल जी और उनकी समस्त टीम, और मेरी माता बहनों कृषक महिलाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो आपने 15 दिन की ट्रेनिंग में जो सीखा, इसका मतलब यही नहीं है कि आपने सीख लिया और बस इससे आगे कुछ नहीं किया। जो मैंने टेक्नोलॉजी और खेती करने के तरीके, उन्नत किस्मों और जो जो खेती में होने वाली क्रियाएं हैं उनके बारे में जो मैंने बताया, उनको अपना के जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाभ प्राप्त करें, वो डिपार्टमेंट से जो भी सहयोग होगा जो हम आपके साथ में करेंगे। तो और सर ने ये भी बताया कि कुछ खेतों में हम गए, वहाँ गेंदे के पेड़ जो थे बिल्कुल पास पास थे, उस वजह से प्रोडक्शन कम हो पाया,
एक किसान के यहाँ 2 बीघा में गेंदे के फूल थे, लेकिन वो पेड़ लगे लेकिन फूल नहीं आए। कारण वो क्या था, ऐसी जगह से बीज ले आए और वो 2 बीघा में उनको नुकसान हो गया। तो एक्सपर्ट के साथ अच्छी जगह से बढ़िया बीज मिले, अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले। जैसे अब ये फूल की बात कर रहे हैं, अब आप खुद देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी किस तरह की है। इसकी बजाय अगर कमज़ोर होगा तो वो कम पैसे में बिकेगा, और अच्छे लेवल का होगा तो वो बढ़िया तरीके से भाव में बिकेगा। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा सर अब की बात 3 चीज़ों पे हम पायलट करेंगे, घिया के ऊपर सर लौकी, इसके अलावा गेंदा और तरबूज, क्योंकि ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो इनके एरिया में काफ़ी अच्छे लेवल पे ज़मीन के हिसाब से और सिंचाई के आधार पे अच्छे लेवल पे हो सकती हैं। और निश्चित रूप से जितनी भी महिलाएं इस ट्रेनिंग में आइडेंटिफाई की गई हैं हाईटेक एग्रीकल्चर से, उनको हम वेजिटेबल के साथ में मल्टीपल क्रॉपिंग के साथ में हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे तरबूज की खेती के साथ उसमें मिर्ची लगा दी जाए, या फिर और अलग अलग तरह की चीज़ें, जब एक खेती कंप्लीट ले लिया जाए, तरबूज हमारा उत्पादन पूरा हो जाए तो मिर्ची आगे बढ़ने लग जाए और हम तरबूज की बेल को उखाड़ दें और फिर मिर्ची की पैदावार उसी ज़मीन में उसी समय मिल जाए। ऐसे कुछ इनोवेशन सर हम इनके यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपसे मेरा काफ़ी देर चर्चा हो रही है तो ये मालूम चला कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, और नए सीखने के साथ साथ में कुछ आप आगे अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट हर काम में होती है सोच, वैसे बनानी ज़रूरी है। जब तक सोच वैसे नहीं बनाओगे तब तक वो काम हम नहीं कर पाएंगे। सोच बनाने के बाद हमको क्या क्या चाहिए उसके लिए, वो हमको बाद में तय करना होगा। जैसे कि आपको ऋण चाहिए, चाहिए होगा ना, ऋण चाहिए होगा, फिर आपको उसका काम करने के लिए जगह चाहिए होगी, उसके साथ आपको वो उसका कच्चा माल चाहिए होगा। उसी कड़ी में ये ट्रेनिंग दी गई है आपको कि आप घर बैठ के, घर में कहीं भी एक जगह बैठ के आप 4-5 महिलाओं का ग्रुप बना के वो काम शुरू करें, ताकि आमदनी आपकी बढ़नी शुरू हो जाए। ठीक है, पैसे आपको मिल ही रहे हैं, और पैसे की अगर आवश्यकता है, और आपके जो यहाँ पे बैंक साथी हैं हमारे, जो हमारे बैंक मैनेजर साहब बैठे हैं यहाँ पे, वो देखेंगे कि इनको ज़रूरत है या नहीं है, तो ये समझेंगे कि कैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको लोन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे काम करता कि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें, जो हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं उनकी मदद कर सकें। तो ये आपकी मदद करने के लिए आए हैं, तो मदद आपको इनकी करनी है, ये आपकी मदद करने आए तो आपको इनकी मदद करनी है। कैसे करनी है, पैसा का सही इस्तेमाल करना और वापस चुकाना। ठीक है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, पैसे का सही इस्तेमाल करना, जिस मकसद से आपने पैसा लिया है वो काम करना, अपना व्यवसाय बढ़ाना।